हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन पैटर्न। इसे आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बनकर आएगा। तो फ्रेंड देखिए, ये डिज़ाइन पैटर्न का फर्स्ट रो है, राइट साइड है। फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे और धागे को अपनी साइड लाएंगे और ये थ्री फंदा हम स्लिप कर लेंगे। देखिए, फोर के मल्टीपल ये डिजाइन पैटर्न है फ्रेंड्स। और धागे को बैक साइड ले जाएंगे, वन फंदा सीधा बुनेंगे। यही फोर फंदे आपको बार बार रिपीट करने। देखिए, धागे को अपनी साइड लाएंगे, थ्री फंदा स्लिप करेंगे, धागे को बैक साइड, थ्री फंदा सीधा बुनेंगे। वन टू, सॉरी, ये थ्री फंदे हमें, देखिए, ये थ्री फंदा स्लिप करेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, वन फंदा सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी साइड लाएंगे, थ्री फंदा स्लिप करेंगे, धागे को बैक साइड ले जाएंगे, वन फंदा सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी साइड लाएंगे, थ्री फंदा स्लिप करेंगे और वन, ये साइड का एड स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा डिजाइन पैटर्न का फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। ये सेकेंड रो है, रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड को भी ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, जो ये वन थ्री फंदा है ना, इसको धागे को पीछे ले जा करके हमें सीधा बुनना है। जो हमने स्लिप किया था थ्री फंदा, उसे सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी साइड, वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे की साइड, थ्री फंदा सीधा, वन टू थ्री। धागे को अपनी साइड, वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे की साइड, थ्री फंदा सीधा, वन टू थ्री। धागे को अपनी साइड, वन फंदा उल्टा, धागे को बैक साइड, थ्री फंदा सीधा, धागे को अपनी साइड, वन फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये रो टू कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट रो की तरह हमें थर्ड रो को भी देखिए बुनना है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और धागे को अपनी साइड लाएंगे, ये थ्री फंदा हमें स्लिप कर लेना है। धागे को बैक साइड, वन फंदा सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी साइड, थ्री फंदा हम स्लिप करेंगे, धागे को बैक साइड, वन फंदा सीधा। धागे को अपनी साइड, थ्री फंदा स्लिप करेंगे, धागे को बैक साइड, वन फंदा सीधा। धागे को बैक अपनी साइड, थ्री फंदा स्लिप करेंगे, धागे को बैक साइड, वन फंदा सीधा। तो हमारा थर्ड रो कंप्लीट हो गया है। फोर रो रॉन्ग साइड। फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागे को बैक साइड, थ्री फंदा सीधा, वन टू थ्री। धागे को अपनी साइड, वन फंदा उल्टा, धागे को बैक साइड, थ्री फंदा सीधा। ये रो फोर है फ्रेंड्स। धागे को अपनी साइड, वन फंदा उल्टा, उल्टा बुनना था इसे। धागे को बैक साइड, थ्री फंदा सीधा। देखिए, रो टू की तरह हमें इसे बुनना है। धागे को अपनी साइड, वन फंदा उल्टा, धागे को बैक साइड, थ्री फंदा सीधा, धागे को अपनी साइड, वन फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये रो फोर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, रो फाइव जो है रो वन की तरह बुनेंगे। धागे को बैक साइड अपनी साइड लाएंगे, थ्री फंदा स्लिप करेंगे, धागे को बैक साइड, थ्री वन फंदा सीधा, धागे को अपनी साइड, वन टू थ्री स्लिप किया, वन फंदा सीधा, धागे को अपनी साइड, थ्री फंदा देखिए उल्टा स्लिप किया और वन फंदा सीधा। धागे को अपनी साइड, थ्री फंदा स्लिप करेंगे, धागे को बैक साइड, वन फंदा सीधा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये फिफ्थ रो कंप्लीट हो गया है। सिक्स रो फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को पीछे की साइड, थ्री फंदा सीधा बुनेंगे। रो टू की तरह ही हमें बुनना है। धागे को अपनी साइड, वन फंदा उल्टा, धागे को बैक साइड, थ्री फंदा सीधा, धागे को अपनी साइड, वन फंदा उल्टा, धागे को बैक साइड, थ्री फंदा सीधा, धागे को अपनी साइड, वन फंदा उल्टा, धागे को बैक साइड, थ्री फंदा सीधा, वन साइड का एड स्टिच है, इसे उल्टा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये सिक्स रो कंप्लीट हो गया है। सेवन्थ रो को अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर डिजाइन पैटर्न चेंज होगा। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, वन फंदा सीधा बुनेंगे,
और जो हमारे ये तीन धागे है ना, देखिए 1 2 3 थ्री लूप्स हमने बनाए थे ना, इसको लेंगे और ये वाला फंदा लेंगे, ठीक ना। देखिए ये वाला फंदा लेंगे और इसको एक साथ ऐसे, ये फंदा और तीनों लूप को ऐसे हम बुनेंगे। देखिए ये ऐसे बुन लेंगे, इसे स्लिप करेंगे। देखिए 1 2 3 फिर देखिए यहाँ पर ये थ्री धागा ऐसे, थ्री लूप्स जो है ना, इसे लेंगे और इस फंदे के साथ हम ऐसे, देखिए इसको ऐसे बुन के निकालेंगे। देखिए इस तरीके से हम ऐसे ले लेंगे और इसे स्लिप कर देंगे। फिर देखिए 1 2 और ये 3, थ्री फंदा बुनेंगे। फिर देखिए 1 2 3 फिर इस लूप फंदे के साथ तीनों लूप को हम ऐसे बुनेंगे। देखिए इस तरीके से, फिर इसके बाद थ्री फंदा बुनेंगे 1 2 3 फिर देखिए ये थ्री लूप्स लेंगे और इस फंदे के साथ इसे ऐसे बुन लेंगे और इसे स्लिप करेंगे। लास्ट में हमारे ये टू फंदे हैं, इन्हें सीधा बुनेंगे। देखिए ये डिजाइन पैटर्न देखिए इस तरह बनकर आने लगा है फ्रेंड्स। देखिए जब ये पूरी डिजाइन बन जाती है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत बनकर आती है फ्रेंड्स। देखिए अब इसके बाद ये रॉन्ग साइड है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, ठीक। यहाँ पर हमारे ये टू फंदे सीधा हैं तो टू फंदे हम उल्टा बुनेंगे। अब डिजाइन पैटर्न देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा। ये वन फंदा जो है ना, सॉरी ये वाला फंदा देखिए, वन स्लिप किया, वन सीधा बुनेंगे धागे को अपनी साइड, वन फंदा ये उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे की साइड। अब ये थ्री फंदा हम सीधा बुनेंगे, देखिए 1 2 3 धागे को अपनी साइड, वन फंदा उल्टा धागे को बैक साइड, थ्री फंदा सीधा धागे को अपनी साइड, वन फंदा उल्टा धागे को बैक साइड ले जाएंगे, वन फंदा सीधा और वन साइड का हेड स्टिच। अब देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ से हमारा डिजाइन पैटर्न अभी चेंज हो गया है। देखिए अभी वन फंदा स्लिप करेंगे, वन फंदा सीधा और इसे भी हम सीधा बुनेंगे। इसके बाद धागे को अपनी साइड करेंगे, अभी ये थ्री फंदा स्लिप करेंगे, देखिए 1 2 3 थ्री फंदा स्लिप करेंगे और इसके बाद ये धागे को बैक साइड ऐसे पीछे ले जाएंगे और वन फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर धागे को अपनी साइड, थ्री फंदा सीधा धागे को अपनी साइड बैक साइड, वन फंदा उल्टा सॉरी सीधा धागे को अपनी साइड, थ्री फंदा स्लिप करेंगे धागे को बैक साइड, ये वन फंदा सीधा और इसे भी हम सीधा ही बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये डिजाइन पैटर्न का देखिए ये 7th रो कंप्लीट हो गया है, सॉरी 9th रो है। अब ये डिजाइन पैटर्न का 10th रो है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे 1 2 फिर इसके बाद धागे को पीछे ले जाएंगे, थ्री फंदा सीधा धागे को अपनी साइड, वन फंदा उल्टा धागे को बैक साइड, थ्री फंदा सीधा धागे को अपनी साइड, वन फंदा उल्टा धागे को बैक साइड, थ्री फंदा सीधा धागे को अपनी साइड, थ्री फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स ये 10th रो कंप्लीट हो गया है। 11th रो है राइट साइड, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, टू फंदा सीधा धागे को अपनी साइड, थ्री फंदा हम स्लिप करेंगे धागे को बैक साइड, वन फंदा सीधा धागे को अपनी साइड, थ्री फंदा स्लिप करेंगे धागे को बैक साइड, वन फंदा सीधा धागे को अपनी साइड, थ्री फंदा स्लिप करेंगे धागे को बैक साइड, थ्री फंदा ये
सीधा। तो फ्रेंड्स हमारा ये 11th रो कंप्लीट हो गया है। ये 12th रो है। फर्स्ट फंदे स्लिप करेंगे, 1 2, तो फंदा उल्टा, धागे को पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागे को अपनी साइड, 1 फंदा उल्टा, धागे को बैक साइड, 3 फंदा सीधा, धागे को अपनी साइड, 1 फंदा उल्टा, धागे को बैक साइड, 3 फंदा ये सीधा, धागे को अपनी साइड, ये 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। तुम्हारा 12 रो कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। ये रो 13 है, राइट साइड। फर्स्ट फंदे स्लिप करेंगे, 2 फंदा बुनाई करेंगे, धागे को अपनी साइड, 3 फंदा उल्टा स्लिप कर लेंगे और 1 फंदा सीधा, धागे को अपनी साइड, 3 फंदा स्लिप करेंगे, धागे को बैक साइड, 1 फंदा सीधा, धागे को अपनी साइड, 3 फंदा स्लिप करेंगे, धागे को बैक साइड, ये 3 फंदा सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये रो 13 कंप्लीट हो गया है। रो 14 है। फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, ये 2 फंदा, देखिए 1 फंदा ये उल्टा हो गया, 2 फंदा उल्टा, 1 पीछे का, और ये 3 फंदा हमारा सीधा, धागे को अपनी साइड, 1 फंदा उल्टा, धागे को पीछे की साइड, 3 फंदा सीधा, धागे को अपनी साइड, 1 फंदा उल्टा, धागे को पीछे की साइड, 3 फंदा सीधा, धागे को अपनी साइड, 3 फंदा उल्टा। ये 14 रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए 15 रो को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फंदे स्लिप करेंगे, 1 2, और ये 3 फंदा हम बुन लेंगे। अब देखिए ये जो हमारे 3 धागे हमने छोड़े थे, 1 2 3, अब इसको हम देखिए, हम इसे ऐसे देखिए, ये 3 धागे हैं, इसे आप चाहें तो ऐसे भी बुन सकते हैं, ऐसे सिलाई पे डालिए और ऐसे देखिए इस तरीके से ऐसे बुन सकते हैं, ठीक। फिर देखिए 1 2 3, 3 फंदा आपने बुना। फिर देखिए 1 2 3, इसको हम इस सिलाई पे ऐसे डाल लेंगे धागे को, और 1 फंदा ले लेंगे, 3 लूप्स और 1 फंदा एक साथ ऐसे बुनाई कर देंगे, ठीक। फिर इसके बाद देखिए 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर देखिए 1 2 3 ऐसे, और एक फंदा और हम यहाँ से ले लेंगे, तो ये हमारे 4 हो जाएंगे, 3 लूप्स 1 फंदा 4 हो गए। और देखिए हमने बुन लिया, इसके बाद 3 फंदा सीधा, 1 2 3, 1 साइड का एड स्टिच है इसे हम। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जो है 15 रो कंप्लीट हो गया है डिजाइन पैटर्न का। ये 16 रो है। फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे और देखिए 3 फंदा सीधा, अब यहाँ से डिजाइन पैटर्न का स्टार्ट हो गया, अब इस पर डिजाइन बनेगा। देखिए 3 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, ये रॉन्ग साइड है, 16 रो है, 1 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, देखिए 1 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, 1 साइड का एड स्टिच है इसे उल्टा बुनेंगे। तो फ्रेंड देखिए 1 से लेके ये 16 रो में आप इसी तरह रिपीट कर जाएंगे तो पूरी डिजाइन देखिए इस तरह बन करके आएगी। तो फ्रेंड्स इसे बनाइए, अगर आपको डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।